हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट के लिए बुरी खबर लग रही है और लॉकडाउन न्यूज से रिलेटेड भी न्यूज आ रही है, तो शायद यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से मार्केट गिर सकती है। जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर टारगेट से रिलेटेड बातें करी थी, वही टारगेट यहाँ पर रिपीट होते हुए नजर आ सकते हैं। बट स्टिल आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है और इन स्टॉक्स का यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप जो भी हमने बात करी है यहाँ पर नजर बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको गेम को स्विच करना है। अगर हम बात करें आज की डेट की, तो हम जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम बात करेंगे न्यू लिस्टिंग स्टॉक्स की। जितने भी न्यू लिस्टिंग स्टॉक्स यहाँ पर आए हैं उससे रिलेटेड जल्दी जल्दी एक बार रिव्यू लेते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरेगी ना, तो ये स्टॉक शायद आपको अभी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं तो और यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, वही स्टॉक्स आपको फंसाते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कॉशियस रहना। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करके निकल जाइए, और थोड़ा सा मौका मिल कब खरीदना है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है, अपने फाइन शेयर वाइज खुद की स्टडी करें, और हमसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर हमारा कांटेक्ट नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको अच्छे खासे प्राइस पर एक अच्छी खासी सर्विसेज आपको मिलती हुई नजर आएगी। कब क्या करना है उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो में तो बनाते ही है, यहाँ पर सिखाते ही है, यहाँ पर भी सीखिए, वहां पर जाके और यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। तो आइए फायदा वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की, जिसका नाम है नाइका। नाइका की अगर हम बात करें तो इसका FSN ई कॉमर्स के नाम से यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर शेयर आया, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया और यहाँ पर शेयर आज की डेट में भी लगभग 5-7% भागता हुआ नजर आया और यहाँ कंसोलिडेशन फेज में है। तो देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पर नए स्टॉक्स आते हैं ना, तो यहाँ पर लोगों के बीच में एक तो नाइका एक नाम हो गया, एक ब्रांड हो गया, तो ये हमारे माइंड में चलता रहता है। एज वेल एज कुछ और चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है कि ये स्टॉक्स नया है, इस तरीके से अच्छे खासे रिटर्न दिए है और भी तेजी ये भाग सकता है। तो हमें ना ये जो लालच वाली बात है ना, जो ये हमारी ग्रीडनेस है, इसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है हमें। ओके, अगर हम यहाँ पर कंट्रोल में रखेंगे ना, तो हमें यहाँ पर मार्केट से अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। क्यों कंट्रोल में रखना है? इसलिए कंट्रोल में रखना है क्योंकि यहाँ पर ना सबसे पहले आप एक चीज जरूर देख लीजिए कि यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स जरूर देखें। एक बार फाइनेंशियल्स देखेंगे ना तो चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी। देखिए लार्ज कैप कंपनी है, नो डाउट 86% का यहाँ पर डेट भी है। ओके, शेयर यहाँ पर उसी जहां पर आया था उसी ट्रेंड पे यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर आपको दे रखे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं बढ़ते हुए अच्छे खासे, नो डाउट। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए प्रॉफिट यहाँ पर जो घाटे से प्रॉफिट में आई, फिर यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर ना जो ये तस्वीर है, ओके, क्योंकि नायका कॉस्मेटिक एज वेल एज फैशन में है, और फैशन और कॉस्मेटिक में बहुत ज्यादा यहाँ पर अगर आप देखेंगे लड़कियां होंगी तो उन्हें पता होगी कि कितना यहाँ पर कंपटीशन है। एज वेल एज यहाँ पर बातें करें, हेल्दी कंपटीशन है और बहुत ज्यादा वैल्यू पे, क्योंकि कितने पीई पे, 1720 के पीई पे यहाँ पर ये चल रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1720 का पीई तो मैंने यहाँ पर आज तक देखा नहीं है। ये चीजें आपको फंसा सकती है और इतना ज्यादा फंसा सकती है। आप यहाँ पर चार्ट देखते होंगे कि किस तरीके से चार्ट यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं ये तो मैक्सिमम चार्ट वैसे बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से चार्ट बहुत सारी कंपनियों के की ऊपर जाती हुई दिखाई देती है चीजें, उसके बाद एक साथ ही यहाँ पर आके एकदम ही क्रैश हो जाती है और यहाँ पर पड़ी रहती है सालों साल। तो इसलिए ऐसी कंपनी में अभी फंसने की कोशिश मत करिए, एक दो क्वार्टर के एटलीस्ट यहाँ पर रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए। न्यू कम लिस्टेड कंपनी है, ओके, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर घाटा हो सकता है। क्वार्टरली ईयरली बेस पर यहाँ पर देखिए लॉस ऑलरेडी है, प्रॉफिट हो रहा है, चुपचाप बुक करिए। किसी न्यूज की बात सुनिए, किसी और की बात मत सुनिए, ओके, ये गेम बहुत लंबा है। अगर यहाँ पर पैसे सोच रहे हैं मल्टीबैगर बनेगा, तो मल्टीबैगर बनने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसको जो पी है ना, एक सेटल होना भी चाहिए। तो सालों साल एक ही रेंज में पैसा फंसा रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। नायका से अलावा हम बात करेंगे वन कम्युनिकेशन। तो वन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें 197, तो पेटीएम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बात करें 1,13,000, मतलब बेफालतू की यहाँ पर वैल्यूएशन यहाँ पर बता रखी है। ओके, यहाँ पर लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि कंपनी में बिल्कुल भी दम नजर नहीं आ रहा, कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर बेकार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग है और यहाँ पर लॉस और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इवन यहाँ पर प्रमोटर्स ने कह दिया है कि हम कभी यहाँ पर कभी शायद ही हम यहाँ पर प्रॉफिट में आए। तो यहाँ पर जब उन्हें ही यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि प्रॉफिट में आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप बेफालतू में क्यों बेफालतू में ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर
रहे हैं, जो कि यहाँ पर सालों साल से यहाँ पर घाटे में ही चल रही है। इतना घाटा देखिए 2016 में भी था और 2021 4 साल बाद भी उतना ही घाटा है, तो कुछ यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर कुछ मत देखिए आप लोगों को फंसा के चीजें, लोग यहाँ पर निकलते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है निकाल लीजिए, लॉस हो रहा है ओके, ज्यादा आपको जितना भी लॉस बियर करना हो रहा है ओके, या आपके स्टॉक्स के आसपास यहाँ पर मिल जाए, ये मतलब आपके आपके प्राइस के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक्स आ जाए, चुपचाप यहाँ पर निकल लीजिएगा। जो कि यहाँ पर आप देखिए 2 दिन से यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है 17%, दोबारा ये लोग ना आपको फंसाते हुए नजर आ सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपको चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर 15 मिनट्स का चार्ट पैटर्न है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीजें इस तरीके से यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई जरूर दे रही है ओके, बट यहाँ पर से बेचने का बिल्कुल संकेत आया पड़ा है कि यहाँ पर बेच दीजिए चीजें, अदरवाइज जो यहाँ पर फंसे हुए थे ना जो ऑपरेटर, वो ऑपरेटर यहाँ पर चीजों को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाने के बाद दोबारा यहाँ पर नीचे लाएंगे, आप लोग यहाँ पर फंसते ले जाएंगे, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, बुक करिए ओके यहाँ पर, या फिर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेड करते रहिए, चुपचाप यहाँ पर निकल जाइएगा, ज्यादा यहाँ पर लालच में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, पहले ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरी लिस्टिंग की, जो कि है सफायर फूड्स की। सफायर फूड्स की बात करें तो सफायर फूड्स थोड़ा सा हमें अच्छा लगता हुआ नजर आ रहा है नो डाउट यहाँ पर, बट फिर भी अभी भी यहाँ पर खरीदने की राय नहीं, क्योंकि आरओई नेगेटिव है, डेट यहाँ पर ज्यादा है कंपनी के पास ओके, और देवयानी ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट में, देवयानी ने अच्छे रिजल्ट पेश करे थे, वो चीजें ऊपर गई हुई है, और यहाँ पर देखिए लॉस कम होता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग एक दो क्वार्टर के रिजल्ट देख लेंगे, इस क्वार्टर के एटलीस्ट रिजल्ट देखिए, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचे, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अभी भी यहाँ पर देखिए लॉस मेकिंग है, वो भी ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर इनके रिजल्ट एक बार देख लीजिए, रिजल्ट देखने के बाद आपको पता चलेगी, क्योंकि सफायर फूड्स की जितने भी KFC पिज्जा हट दिखाई देता है टाको बेल्स, ये इनके जो KFC के जो रेस्टोरेंट है ये ज्यादा है कंपेयर देन देवयानी, तो यहाँ पर फ्यूचर में शायद यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी करके दिखा सकती है, बट स्टिल यहाँ पर आपको राय यही है मेरी तरफ से कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिए ओके, यहाँ पर चीजों को यहाँ पर खरीदने की कोशिश मत करिए, चीजें और ज्यादा आपको नीचे मिल सकती है, गिर सकता है, मार्केट में गिरावट है ऑलरेडी, और तो यहाँ पर न्यू लिस्टिंग है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। अब इसके अलावा सिगाची इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। सिगाची इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको पता है किस तरीके से शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए, फिर लोअर सर्किट में नीचे चीजें आई, फिर दोबारा यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है, अच्छे खासे पैसे आपके ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं, जो पैसे यहाँ पर बने हुए हैं इसे पहले कैश इन कर लीजिए ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर चीजें आपको अच्छे प्राइस पे दोबारा मिलती हुई नजर आएगी, चीजें जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर चेक करे पर्सनली, सब कुछ अच्छा खासा नजर आ रहा है, बट मार्केट में और क्लियरिटी वह यहाँ पर बहुत सारी केमिकल कंपनी है ओके, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें क्वार्टरली रिजल्ट तो सेप्टेम्बर के यहाँ पर रिजल्ट भी यहाँ पर अभी देने रखे हैं, एक बार सितंबर के रिजल्ट देख लीजिए यहाँ पर देखिए शायद कब आ रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लेंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंटली वेट करिए, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है चुपचाप अपने प्रॉफिट को कैश इन करिए, और बाद में यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी जिन स्टॉक्स में जो लंबे चार्ट पैटर्न है वहां पर आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर PB फिनटेक यहाँ पर एक और स्टॉक्स है, यहाँ पर अगर हम बात करें आज की डेट में यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया, 13-14% ये शेयर भागता हुआ, पहले यहाँ पर भाग रहा था उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हुई और दोबारा यहाँ पर यहाँ पर ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉलिसी बाजार इसका नाम है। पॉलिसी बाजार की भी बात करें तो इंश्योरेंस की कंपनी है, लोग कर रहे हैं कि ये भागता हुआ नजर आएगा, मल्टीबैगर बनता हुआ नजर आएगा, बट यहाँ पर भी देखिए ROC ROE नेगेटिव है, कंपनी जरूर डेट फ्री है बट स्टिल यहाँ पर भी मैं आपको सलाह यही दूंगा एक बार रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आने के बाद शेयर प्राइस का ज्यादा नहीं भागता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा बहुत ही यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा शायद, या फिर आपको थोड़ा सा ऊपर मिल सकता है, नो डाउट कोई परेशानी नहीं है, चीजों को आराम से खरीदिएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि तो घाटे से यहाँ कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, 2019 में 2020 में 10 और फिर अभी 19 करोड़ का प्रॉफिट था, बट स्टिल थोड़ा वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए, तभी जाके यहाँ पर चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देगी, एग्रेसिवली यहाँ पर काम करते हुए बिल्कुल मत दिखाई दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे SGS इंटरप्राइजेस की। SGS इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, जब से आया था ये शेयर यहाँ लोअर सर्किट लगा रहा था, बट आज की डेट में देखिए तो कंपनी 8% नहीं, यहाँ पर लगभग बहुत ज्यादा यहाँ पर 2 दिन से यहाँ पर अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया है, लगभग अपने आसपास ही आ पहुंचा है
बट फिर भी मैं आपको इसमें भी सलाह मेरी यही रहेगी कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए चीजें, यहाँ पर लास्ट टाइम में यहाँ बवाली ज्यादा होती हुई दिखाई दी है, तो ये चीजें क्या होता है देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन चीजों में ये होता है कि यहाँ पर जो लोग फंस जाते हैं, जिन्हें जिन्हें इनके फंडामेंटल्स पे भरोसा नहीं होता, वो यहाँ पर जब शेयर गिर जाता है बेचने लग जाते हैं, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं जिनके पैसे अच्छे खासे होते हैं, वो चीजों को दोबारा ऊपर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनके पैसे यहाँ पर अटके होते हैं, दोबारा यहाँ पर उनके पैसे यहाँ पर लगभग निकल गए होंगे, यहाँ पर उन्होंने बेचना शुरू किया और बेचते बेचते यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को आपको समझना होगा, ऑपरेटर की चाल को समझना होगा। चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है चुपचाप, बेकार चीज है ना, पड़े ही मत पीछे। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिए, अच्छी चीज है तो भी यहाँ पर वेट कर लीजिए। यहाँ पर अच्छे फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं, पीई भी सही दिखाई दे रहा है, आरओसी आरओई अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दी है, फिर उसके बाद भागती, बट एटलीस्ट यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करिए। यहाँ पर देखेंगे सेल्स तो 2018 से लेके अभी तक सेल्स एक ही दायरे में चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी चीज यहाँ पर सेल्स देखिए एक ही दायरे में चलती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉफिट भी एक दायरे में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्रेसिवली बाइंग करने की सलाह तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीजें फिर आपको यहाँ पर ऊपर के लेवल पे यहाँ पर फंसे थे, फिर यहाँ पर आपने करी, यहाँ पर फिर दोबारा फंसते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं रहेगा, आपके पैसे फिर कहीं पर लगाने लायक ही नहीं रहेंगे, तो क्या फायदा है ऐसे पैसों का। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा एक आध क्वार्टर का वेट कर लीजिए। अगर लॉस ये चीजें भागती भी नजर आएगी ना, कोई परेशानी नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। रश मत करिए, ग्रीडी मत बनिए। एटलीस्ट डेट की बात करें, यहाँ पर देखिए डेट अच्छा खासा है क्वार्टरली। यहाँ पर बात करें फिर नो पेमेंट, तो यहाँ पर फिर नो पेमेंट की बात करें, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में दिखाई दे रही है, नो डाउट, ओके। बट स्टिल यहाँ पर इस जो ये जो बैंक है और जो ये जिस तरीके का काम करता है ना, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एग्रेसिवली ट्रेड लेने की जगह थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना काफी अच्छी रहेगा। एक बार इनके रिजल्ट देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है ये जो अभी के रिजल्ट यहाँ पर दिखाते हैं ना, वो रिजल्ट एक्चुअली महीने में जब बाद में दिखाई देते हैं। मार्केट आईपीओ आने से पहले सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, बट आईपीओ आने के बाद एक साथ ही इनकी सारी की सारी चीजें चेंज होती हुई दिखाई देती है। उस केस में क्या होता है, कंपनी नेगेटिव रिजल्ट पेश करती है और स्टॉक्स के प्राइस यहाँ पर गिरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे काम हमें नहीं करना है, रिजल्ट देखना है। रिजल्ट के बाद थोड़ी सी चीजें महंगी भी मिलेगी, टूट पड़ना कोई इशू नहीं है, फिर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। फिर बैंक पेमेंट देखिए गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, बट 2 दिन से यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दे रहा है, दोबारा आई थिंक यहाँ पर लोगों को यहाँ पर फंसा, ऊपर जाके फंसा के फिर दोबारा गिरता हुआ दिखाई दे सकता था, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिए। तो यहाँ पर कुछ ये स्टॉक्स थे जिनके बारे में मुझे लग रहा था कि मेरे को आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए, थोड़ा सा बिवेयर करना चाहिए, ताकि आप लोग थोड़ा सावधानी से मार्केट में काम करें। अच्छा खासा पैसा बन रहा है तो उसे कैश इन करके रखे, थोड़ा सा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, मार्केट यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो जिसमें प्रॉफिट बन रहा है वो यहाँ पर निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए दिखाई दे पैसों को, और अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनेगा। अच्छे स्टॉक्स में किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर हमें हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज हमारी वीडियो देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम भी आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जितना हो सके सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरी वीडियो को लाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।